स्टोरी सिनेमा है, एक जैसा कि उसके टाइटल से आप सबको एक बहुत ही फीलिंग्स है, बहुत ही इमोशन आपको दिख रहा होगा उस टाइटल में, प्रेम भी, वो रोमांस, वो फील, वो सारा चीज़ आपको उस सिनेमा में दिखेगा। जैसा कि दोनों सिनेमा बहुत ही अलग हैं, इसके दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, इस दोनों के पायदान, इस दोनों की नींव बहुत, इन दोनों फिल्मों की नींव बहुत अलग है, तो इसके कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अलग है। इस फिल्म को हमारे प्रेमजीत को डायरेक्ट कर रहे हैं अजय कुमार झा जी, जिन्होंने अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म माई रे माई हमारा वह लेके चाहिए डायरेक्ट किया था, जो अभी हाल ही में इन कंटिन्यूशन में बिहार में 50 दिवस पूरे करने जा रहे हैं। बधाई हो माई रे माई, हमारे माई रे माई हमारा वह लेके चाहिए के पूरे टीम को। उसी तरह से इस सिनेमा का भी निर्माण शुरू हो रहा है, जिसके प्रोड्यूसर अगेन हमारे सोनू खत्री जी हैं। इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हैं, दो दो बड़ी फिल्मों के साथ एकदम हथौड़ा मार रहे हैं भोजपुरी में कि दो बहुत एक बड़ा सा किला लाकर हथौड़े मार रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोनू भाई एक बहुत ही, हम सबको जितने भी लोग हैं टीम टेक्नीशियन हैं, हम लोग तब तक कुछ बड़ा या कुछ अच्छा नहीं सोच सकते जब तक निर्माता कुछ बेहतर या कुछ अच्छा अपने तरफ से ना करना चाहे, क्योंकि निर्माता वो कड़ी है, वो शख्स है, वो पिलर है जो सिनेमा को बेहतर बनाने का जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो निर्माता का ही होता है। अगर वो चाहे तो सिनेमा को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और वो चाहे तो सिनेमा को कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन सोनू भाई पर पूरा भरोसा है हम सभी को, क्योंकि इनका जैसा हम सबके लिए जो इनका, हमने जब हमारी शूटिंग हुई थी फिल्म को लेके, तो जो इनका जो अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जो अपना बॉडी लैंग्वेज था, और जो बताने का जो इनका लहजा था कि हम सिनेमा को इस लेवल तक लेके जाएंगे, इस बेहतर लेवल तक, बड़े लेवल तक लेके जाएंगे, कि भोजपुरी में जो लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ये कुछ कमी रह गया, वो कुछ कमी रह गया, उन सभी चीज़ों को हम भरने का पूरी कोशिश करेंगे। और अजय जी में बाकी सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं, नहीं नहीं ये बंदा मैं पहले भी बोला हुआ हूँ कि हर करेक्टर में अपने आप को मतलब फिट मैंने हो जाता है बंदा। हमने किया था एक फिल्म माई रे माई हमारे उसे लेके चाहिए, कई शेड थे सिनेमा उस फिल्म में भी। तो जब लाल जी हमें कहानी सुनाया प्रेम गीत का, तो सबसे पहले तो मुझे शौक अच्छा लगा कि मतलब कि टोटली डिफरेंट लगा मुझे। हालांकि दोनों फिल्म की कहानी पता थी, तो मैंने बोला, कह रहे भाई मुझे अच्छा यही लगा है कि नमस्ते लंदन टोटली अलग है और ये टोटली अलग है। एक हीरो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एक शेड्यूल में हम सिनेमा कर रहे हैं और दोनों टोटली मतलब फुल्ली अलग है, चिंतू बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, ये बात पॉइंट मार्क करने वाली है कि हम एक ही शेड्यूल में दोनों फिल्म का निर्माण कर रहे हैं एक ही साथ, तो ये सभी के लिए, सबके लिए रहेगा, जितने भी कलाकार हैं सबके लिए बहुत अच्छा टफ होने वाला है कि सबको अपना बेहतर अभिनय करना है। चाहिए सोनू जी खुद ही एक्टर की तरह दिखते हैं, खुद एक्टिंग क्यों नहीं करते? हाँ, मैंने कहा इनको, मैंने बोला कि आप एक्टिंग करने का शौक है, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ना करें, किसी भी फिल्म में नहीं देख पाएंगे। हां जी, मैंने दिखा है, हमने देखा है। हां जी, हमने देखा है हाल में। जो चीज करना है वो चीज कर रहा हूँ, दुनिया भर का देखिए, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि दुल्हन जब घूंघट में आती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है, तो ये घूंघट को अभी घूंघट रहने दीजिए, घूंघट खुलता ही मुंह दिखाई आप लोग को देना है, तो वो मुंह दिखाई हम लोग लेंगे पोस्टर के फर्स्ट लुक और फर्स्ट टीजर में, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो अभी घूंघट का मजा है, घूंघट का मजा लीजिए, और ये सस्पेंस रखने में जितना मजा आता है वही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों फिल्म का सस्पेंस धीरे धीरे खुलेगा, आप सबके बीच आएगा, और काफी खूबसूरत, काफी भव्य, काफी बेहतर सस्पेंस। अब आगे पिया जी, दो शादी क्यों है सर? पहले से लाइन लाइट में बिल्कुल एकदम सही, एकदम तीखा सवाल है, लेकिन जहाँ तक बात करें तो अभी इस सिनेमा के भी एक्चुअली दरअसल सच्चाई है कि सिनेमा के अभी फाइनलाइजेशन अभी कार्य चल रहे हैं, आज इसका मुहूर्त हुआ है। मुहूर्त का मतलब ये होता है कि हमने शुरुआत की है, पहला कदम रखा है, तो अभी पहला कदम रखा गया है, आगे आगे इसके और भी लोग जुड़ते जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत नाम है, काफ़ी बड़े नाम है, जैसा कि हमारे बीच आप सबको दिख रहे होंगे, करण पांडे जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, हमारे अरुण सिंह काका जी हैं, कहाँ गए, अरुण सिंह काका जी हैं, सोनालिका जी हैं, बहुत खूबसूरत अभिनेत्री हैं, तो ये जितने भी कलाकार हैं ये सब लोग उस सिनेमा में नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ बहुत ही बेहतर और बहुत बड़े बड़े नाम भी आप सबको नज़र आने वाले हैं। जैसा कि आपका सवाल था, मैं सवाल पे आता हूँ कि एक्टर दिखता है, एक्ट्रेस नहीं दिखती है, तो जैसा मैंने पहले कहा, मेरी जान की हिंदुस्तान है, दुल्हन का मज़ा तो घूंघट में ही, मुँह दिखाई के लिए बस मैं अपने दर्शकों का प्यार चाहता हूँ, और दर्शकों का उस मुँह दिखाई के एवज में सिनेमा हॉल में आगमन चाहता हूँ,
कि सिनेमा हॉल में आकर अपने इस दोनों सिनेमा को आकर अपना सप्रेम प्यार दें, पूरा दिल भर के कूट कूट के चाप चाप के जितना पूरा प्यार भरा हो पूरा प्यार दें इन दोनों सिनेमा को, क्योंकि इस सिनेमा का निर्माण भी हम उसी लेवल तक लेके जा रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें आज एक खूबसूरत फिल्म की बहुत बेहतरीन फिल्मों की जो तलाश है वो तलाश इन दोनों फिल्मों से पूरी होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जब भी ये सिनेमा आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगे तो मुंह दिखाई देने ज़रूर आइएगा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। और इससे हसीन मौसम तो हो ही नहीं सकता है किसी चीज़ की शुरुआत के लिए। मोहब्बत की शुरुआत भी अक्सर बारिश में ज़्यादा करके होता है, रोमांस का मूड भी बारिशों में ज़्यादा होता है। क्या हो तो जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं उन सब का जो मिजाज जो हरिया रहा है मौसम के साथ साथ, तो वो हरियाली ये आपको इस सिनेमा में भी नज़र आने वाली है। थैंक यू। आइस हो जाइए ना सर, और पीछे जाइए ना, वाइट वाइट में नीचे ले ले स्टेट। हां तो लाओ पता है कि पास में ये बता के पकड़ दो, पकड़ बाबू आराम से। चलो चलो भाई पीछे आओ, और पीछे चलो, और पीछे चलो, और पीछे जाओ, पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे रुकना। मैं एक बात शामिल करना भूल गया था कि हमारे सिनेमा जो बहुत ही भव्य लेवल पर जिसका निर्माण होने वाला है, जिस सिनेमा का नाम है नमस्ते लंदन, उसके जो निर्देशक हैं चंद्रपन जी, जो नेपाल के बहुत बड़े एक्शन मास्टर हैं और जिन्होंने भी निर्वाचन लंदन भी डायरेक्ट किया, वो इस वक्त यूएसए में हैं, जो अपनी कुछ स्टडी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आज यहाँ शुभ मुहूर्त पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन उनके बारे में हम सब यही कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग बहुत ही इच्छुक थे उनके साथ काम करने के लिए और बहुत ही बेहतरीन टेक्नीशियन हैं। तो मेरा हमेशा से ये पूरा ये मेरी हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई भी हमारे साथ जुड़े हाईली टेक्निकल लोग जुड़े, ताकि भोजपुरी सिनेमा का जो स्तर है वैसे ही धीरे धीरे और बढ़ता रहे, और इसमें इस बढ़ाव में आप सबका बहुत साथ चाहिए, हमारे दर्शकों का बहुत साथ चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग अगर सिनेमा हॉल में सिनेमा को नहीं देखेगा तब तक ये सिनेमा और नहीं बढ़ेगा। और हम सब लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी प्रयास कर रही है कि हम अपने भोजपुरी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, अपने मिट्टी को हम उस उतना उपजाऊ बना दें कि लोग उसे सर उठा कर देखें। इसमें आप सबका योगदान चाहिए, आप सभी का बहुत बहुत साथ चाहिए, और मैं अपने सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी बातों को दर्शकों तक पहुँचाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी भाई हमारे आए हैं, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से प्रणाम सलाम, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद हम भी सबके देते रह जाए और ऐसे ही प्यार उठाते रह जाए। बहुत बहुत सभी से ले लीजिए। सबसे पहले भोजपुरिया काका अरुण सिंह की तरफ से आप सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा, और आज बहुत खुशी की बात बा कि ऊपर से ऊपर वाला के भी आशीर्वाद बारिश के रूप में मिल रहा बा, और हमारा अजीज मित्र भाई चिंटू प्रदीप पांडे चिंटू जी, लालजी भाई और सोनू भाई, हमारे अजय झा जी की फिल्म और तमाम पूरी टीम के हमारे तरफ से बधाई बा, दोनों नमस्ते लंदन और प्रेम गीत खाती ढेर सारा शुभकामना बा, हार्दिक बधाई बा, ये फिल्म जो जो आगर बढ़े जब ही रिलीज होकर, जैसे चिंटू भाई अभी कहले हैं कि मुँह दिखौनी के रूप में, तो हम चाहब कि जरूर मुँह दिखाई के रूप में भाई के वो प्यार व आशीर्वाद मिले और भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे लेके जाए में हमने के पूरा कोशिश रही कि दर्शक हमने के सिनेमा हॉल में आवे और आप सबके प्यार मिले। हर हर महादेव। मैं करण पांडे, सबसे पहले सोनू भाई को इनकी दूसरी और तीसरी मूवी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और जैसे कि यह अभी पता चला है कि इसके डायरेक्टर जो निरहुआ चला लंदन के हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़े लेवल की फिल्म बन रही है, और दूसरे मेरे भाई अजय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरी कास्ट एंड क्रू को। एंड ऑफ द डे जब तक हमारे हीरो को बधाई ना हो तब तक ये फिल्म ही नहीं है। बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। जी चिंटू जी के साथ हमारा फर्स्ट फिल्म नहीं है, तकरीबन 80-90% हमने करवे करने के साथ में काम, और ये फिल्म के हम अभी कुछ कर नहीं की चाहते कि फिल्म जब आवे बड़ा, बाकी सब सिनेमा जितना हम सिनेमा लिख ले माने जितना बहुत सारे फिल्म हमने के बहुत बड़े बड़े फिल्म हिट भैया, तो ये भी सिनेमा आवे तो बाकी जितना सिनेमा मतलब हमने के हिट भैल बा, हर सिनेमा के एक रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़े ये प्रयास रही हमने के, और ये प्रयास करते नहीं उतने लगन के साथ उतने मेहनत के साथ इस सिनेमा के लिखा था नहीं, और हमने जितना लोग टीम के लोग बने जा हमने सबके वो मिल के मतलब एक बड़ी लेवल ऊपर तक ले हमें सिनेमा के बनावे के बाद ये कोशिश बा हमने के। नमस्ते, मेरा नाम सोनालिका प्रसाद है, और प्रेम गीत नमस्ते लंदन इन दोनों फिल्मों के जो
एक टीम है, उन सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से यहाँ पर पूजा हुआ, और मैं होप करती हूँ कि सारे भगवान के आशीर्वाद इस फिल्म को मिले। हाँ, फिर से लाने जा रहे हैं, एक बार फिर से दुल्हन लेने जा रहे हैं पाकिस्तान, एक बार फिर से इन्हें शुभकामनाएं कम से कम देना चाहते हो कि पाकिस्तान से दुल्हन सही सलामत लेके आ जाए? हाँ, ये हमेशा लेकर के आते हैं और इनकी कड़ी आगे बढ़ती जाएगी। सेट टू का फर्स्ट लुक आया है, लोगों ने काफी पसंद किया है, काफी प्यार किया है, काफी वायरल हुआ है। मेरे ख्याल से इतना शायद फर्स्ट लुक इतना नहीं वायरल हुआ है किसी पोस्टर का। तो ये उस चीज के लिए आप सभी का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। और ये सिनेमा अगस्त महीने में रिलीज होगा, आप सबके बीच, आप सबके नजदीकी सिनेमा घरों में होगी, तो बिल्कुल मत भूलिएगा भाई। और आगे और भी सारे ट्रेलर आने वाले हैं, मोशन पोस्टर इसका बहुत जल्द आने वाला है आप सबके बीच, बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही भव्य है, जो लोगों के एक्सपेक्टेशन से परे है। बस मैं यही दुआ करूंगा कि आप लोग, वो जो मैं बात कर रहा था, कि आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार सिनेमा हॉल में आकर, जब भी ये फिल्म लगे दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से टू, तो आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आकर ज़रूर देखिए। मनोज कुमार की तरफ से मेरा प्रणाम है सभी श्रोता भाई लोगों को। मैं जब टाइटल देखा नमस्ते लंदन एंड प्रेम गीत, तो ये नमस्ते लंदन ये अपने में एक बहुत मतलब बेमिसाल एक टाइटल है। अभी आपने अच्छा सवाल किया चिंटू भाई के लिए कि दुल्हन चाहिए पाकिस्तान टू, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरा भाई जो है कि लंदन से दुल्हन ना लेकर गया है, और सब लोग जो है कि जो इंतज़ार करें। तो मेरी तहे दिल से इस मूवी के लिए, नमस्ते लंदन एंड प्रेम गीत के लिए तहे दिल से दुआ है, शुभकामनाएं हैं। और मैं ढेर सारी दुआ करता हूं कि ये जितना हम लोग सोच रहे उससे बढ़ करके पिक्चर जाए। और तहे दिल से थैंक्स करता हूं ब्रदर का, क्या नाम बताया मैं पूरा, सोनू जी को, ताकि ये खूब दिन रात और चौगुनी तरक्की करें और इसमें अपना पूरा नाम कमाएं। ये बात सच है कि एक्टर की तरह दिखते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे इसमें मत डालिए ताकि मैं डायरेक्शन में ही रहूं और खूब आगे बढ़े, प्रोड्यूस करें। और सर को मैं थैंक्स करना चाहूँगा, नमस्ते लंदन और प्रेम गीत का टीम है बहुत अलग है, और बहुत हम लोग आप देख ही रहे होंगे कि सब लोग एकदम यंग है। तो हम लोग इसको मतलब अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने अभी निर्वाचन लंदन बनाया है, उससे भी आगे मतलब उससे भी ऊंचा लेवल का मैं मेकिंग करूंगा दोनों फिल्म का। और जैसे कि मेरे साथ में जुड़े हैं चंदन भाई, उत्तम भाई, और अभी तो प्रदीप पांडे जी, चिंटू जी का छोड़ी दीजिए, अपना ये रामू यादव जी हैं, जैसे पूरे टीम है हम लोग की एक। तो हम लोग मिल के अभी इसको बहुत अच्छे से जुलाई एंडिंग से शूटिंग स्टार्ट करेंगे, और जब शूटिंग स्टार्ट होगा उसके 3-4 महीने के बाद में फिर आपको कुछ रिजल्ट कुछ ना कुछ आप लोग को दिखाएंगे हम लोग। तो हम लोग के क्रू एंड मेरे जितने भी टीम है, इसका जैसे निर्वाचन लंदन का टीम था वैसे भी इसमें नए मेंबर्स हैं, तो आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते लंदन प्रेम गीत में सभी पहली बार आए हैं। नहीं, मैं पुरुषों साहब से पहली बार मिल रहा हूँ, मैं भी एक्टर हूँ, काम करने की इच्छा रखता हूँ भोजपुरी फिल्म में, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और इनकी पिक्चर पहले हिट हुई है, मैं चाहता हूँ कि दोनों पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। सुन जी, मेरी तरफ से एक शुभकामनाएं।